हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ईश्वर बुटीक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा बहुत सुंदर नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी कि नेक डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है और आजकल बहुत ही ट्रेंड में है ये नेक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पेपर फ्यूज लिया है। आप नेक कट करने के लिए पेपर पेस्टिंग और बुकरम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो मैंने पेपर फ्यूज पर ही नेक को कट करूँगी। तो ये मैंने कुर्ती को पहले से कट कर लिया है। तो यहाँ से मैं आपको पेपर फ्यूज की लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। ये मैंने 12 इंच चौड़ाई रखी है और 12 इंच ही मैंने लंबाई रखी है। तो आप अपने नेक के अकॉर्डिंग रख लें कि कितनी चौड़ाई और लंबाई आपको चाहिए। तो यहाँ से नेक की ब्रॉड का निशान लगाएंगे। तो ये मैं 2.25 इंच पे निशान लगाऊँगी और यहाँ से लंबाई का निशान मैं 3 इंच पर लगाऊँगी। तो इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। जैसे हम सिंपल नेक को कट करते हैं, ऐसे ही इस नेक को भी कट करेंगे। बॉक्स बना लेंगे यहाँ से इस तरह से, और इसमें राउंड शेप दे लेंगे नेक की। यहाँ से मैंने 2.25 इंच रखा। आप ज़्यादा ब्रॉड डालते हो तो आप ज़्यादा रख लें। तो ऐसे रखने के बाद यहाँ से हम 1/2 इंच का एक निशान और लगाएंगे, 1/2 इंच का। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये राउंड में नेक का निशान लगा लिया है। अब एक निशान और लगाएंगे यहीं से ही लंबाई का। तो ये मैं एक लंबाई का निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। 6.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। और एक निशान जो ये मैंने 1 इंच का निशान लगाया है राउंड में, तो इससे आगे 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद यहाँ पर लगाएंगे 1 इंच का निशान और यहाँ पर 1/2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर हल्की सी राउंड शेप देते हुए इस तरह से। और नेक यहाँ से शेप दे देंगे और इसके पास से फिर एक निशान और लगा लेंगे इस तरह से। अब इस नेक की कटिंग कर लेंगे। पहले हम नेक को यहाँ से कट करेंगे इस तरह से। ऐसे कट करने के बाद अब ये वाली लाइन को कट करेंगे ये ऐसे कट कर लिया है। अब जो ये अंदर से ये निशान बनाया है इसको भी कट कर लेंगे। आप या तो पिन लगा लें और ये नेक बहुत ही प्यारा लगता है पहने हुए। अब इसको यहाँ से ऐसे कट करने के बाद और यहाँ से गोलाई में ही कट कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए नेक की शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगी ऐसे। तो हम इसको ओपन करेंगे, तो मैं आपको ओपन कुर्ती के ऊपर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से आएगी शेप नेक की। तो अब इसको हम ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से नेक की शेप आएगी ये देखिए। तो इसको मैं जैसे हम सिंपल नेक को फैब्रिक के ऊपर चिपकाते हैं, तो मैं इसको भी फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लेती हूँ। फिर मैं आगे बताती हूँ कि हम कैसे इसको कुर्ती में अटैच करेंगे। तो ये मैंने नेक को फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लिया है और अटैच करने के बाद मैंने नेक के सेंटर भी बना लिया नेक का। तो अब हम इसको कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे और नेक को हमें सीधी तरफ को ही रखना है। कुर्ती के भी सेंटर में निशान लगा लें और अब इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। जैसे हम सिंपल नेक को अटैच करते हैं, ऐसे ही इसको भी अटैच कर लेंगे। मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी और फिर यहाँ से सिलाई लगा के इसको ऐसे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। नेक के बिल्कुल पास से सिलाई लगा लेंगे। बिगनर है तो पहले सेंटर से सिलाई लगा लें। ये
ये जैसे मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है ऐसे ही मैं यहाँ से भी सिलाई लगा लेती हूँ। ये मैंने नेक को अटैच कर लिया है और अब अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। हाफ इंच मार्जर रखते हुए कट कर लें और राउंड में कट लगा लेंगे इस तरह से, ताकि हम फोल्ड करने में आसानी हो। और यहाँ से भी मैंने इस तरह से ही जैसे शेप है ऐसे ही सिलाई लगाई है नेक में, तो इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे हाफ इंच मार्जर रखते हुए। इस तरह से और ऐसे ही इस साइड से भी कट कर लेंगे। ये मैंने नेक को स्टिच करने के बाद नेक को इस तरह से पलट लिया। पलटने के बाद मैंने इस पर प्रेस लगा ली है और प्रेस लगाने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएगी ये नेक की। तो ये नेक हमारा बोट शेप में भी है और जैसे हम नॉर्मल में डालते हैं वैसे भी, और डाला हुआ बहुत ही अच्छा लगता है ये नेक, एक बार आप जरूर ट्राई करें। और इसके ऊपर से मैं लगाऊंगी ये लेस, तो आप यहाँ पर जो स्टोन वाली लेस आती है वो लगाएं, क्योंकि मेरे पास थी नहीं तो मैं इसलिए आपको सिर्फ लगा के दिखाऊंगी। तो स्टोन वाली लेस लगाओगे तो बहुत ही अच्छा नेक लगता है ये। तो इसके ऊपर से लेस को अटैच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से लेके इस तरह से मैं यहाँ पे लेस को अटैच करूँगी और ऐसे ही यहाँ पर, तो आप भी ऐसे ही कर लें। ये मैंने नेक में लेस को अटैच कर लिया है और लेस को अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएगी नेक की। तो आप चाहो तो यहाँ पर बटन लगा सकते हो। और जो ये पार्ट है तो ये हमारा कंधे में ज्वाइंट होएगा, और जो ये पार्ट बचता है इसमें हम डोरी का यूज़ करेंगे। तो मैं वैसे आइडिया के लिए आपको दिखा दूँ लगाने के बाद कि इसकी लुक कैसी आएगी डालने के बाद कमीज की। तो देखिए गाइस, मैंने आपको डमी पे नेक को अटैच करके भी दिखा दिया कि नेक डालने के बाद कुछ इस तरह से ही लुक आएगी, और जो आप ऐसी ही कुर्ती बनाओगे तो ऐसी ही फिटिंग आएगी, और फिटिंग के साथ ही ये नेक बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।